कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी गार्जियन श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर मैं 1 करोड़ रुपया की विधायक निधि की राशि मैं हमारे तेज तरार मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी को मैं भेज रहा हूँ और मैंने रिकमेंड किया है कि मेरा 1 करोड़ रुपया आप केंद्र सरकार रेलवे विभाग को दे दीजिए ताकि हमारे जो फंसे मजदूर हैं जो ददर की ठोकर खा रहे हैं दूसरे राज्यों में उसके माँ बाप पैनिक हो रहे हैं, हाहाकार परिवार में मच गया है, हम लोग ला नहीं पा रहे हैं और केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार के रवैये के कारण मैं जामतला विधायक इरफान अंसारी ने निर्णय लिया है कि 1 करोड़ रुपया मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये राशि को जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं जो छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको लाने के लिए आप रेलवे विभाग को दे दीजिए क्योंकि रेलवे विभाग के पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं झारखंड के लिए, इसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है। दूसरी बात मैं कहूँगा झारखंड के तेज तरार मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इतने कम समय में भारतवर्ष के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अपने बल पर अपने कर्म पर वो साबित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आप उनका पीठ थोड़ा थपथपाइए क्योंकि झारखंड है तभी अन्य राज्य है, हमारे झारखंड से ही आपकी दूसरे राज्यों की खुशहाली है। तो ऐसे हम ऐसे परिस्थितियों में ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हम चाहेंगे कि आप झारखंड को आर्थिक पैकेज दीजिए, ये मेरा मांग होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अच्छे दिन 7 साल देश ने अच्छा दिन देख लिया, अच्छे दिन देश में आ गए लेकिन अभी अच्छा दिन नहीं है, कोरोना महामारी फैला हुआ है, आज अच्छे दिन की आवश्यकता है। पहल कीजिए मोदी जी, हेल्प कीजिए, मन की बात छोड़िए, मजदूर की बात सुनिए। मजदूर के माँ बाप जो अपने बाल बच्चों के लिए तरस रहे हैं उनकी बात को सुनिए। एक विधायक आपसे निवेदन कर रहा है, फिर तो कोरोना के बाद ये महामारी खत्म होने के बाद अच्छे दिन आपके आ जाएंगे और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम उन गरीबों के बारे में सोचिए। आपने जब से राजनीतिक विरासत आपने संभाली है आपने केवल अपना अच्छे ही दिन देखे हैं लेकिन कभी गरीब का अच्छा दिन देख लीजिए। आज आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।